मैं एक महात्मा की कहानी पढ़ता पिया से कहिंदे उस महात्मा का सुभाव सी दिन दे विच जो भी को काम हो जाना चंगा हो जाना माड़ा हो जाना दुख आना सुख आना खुशी होनी गमी होनी उन्हें कहना बस रब की मेहर है रब की कृपा है रब की देन है बस यही उहदा सुभाव सी शुक्र है मालिका तेरा जे दुख आना ता भी उन्हें कहना मालिका शुक्र है तेरा जे सुख आना ता भी कहना शुक्र है जे किसी ने कोई माड़ा बोल बोल दिता ता भी कहना कोई गल नहीं मालिका शुक्र है कहिंदे उह शुक्र शुकराने दे नाल भरिया पिया है साधु महात्मा एक दिन गली दे विच दी गुजर रहा है ते कहिंदे एक बहुत शाहूकारनी इस्त्री जिहदे ते रूप बड़ा है वह अपने चबारे दे उपर मूँह दे विच पाण पा के चब रही है कोल उहदा घर वाला खड़ा है लोग उहदी जिहड़ी सकल सूरत दी जिहड़ी सी बड़ी सलौता करिया करदे सी भी फलाने दी घरवाली बड़ी सोहणी है उहनूं माण बड़ा सी भी मेरा लोग बड़ा हुसन दा माण करदे है कहिंदे हंकारी होए ने पाण खा के जदों थले सुटिया तो वह थले किते महात्मा गुजरिया सी वो जिहड़ा पाण दा थुक सी वह महात्मा दे सिर दे विच पै गया जदों महात्मा दे सिर दे विच उह थुक पिया तो उहने अचानक उपर नूं देखिया वह बीबी हंकारी होई जिहड़ी मूँह दे विच पाण चब रही है फकीर हथ जोड़ के खुदा दे वल रब दे वल्ले कहिंदा मालिका शुक्र है मैं पता नहीं किन्ने क माड़े कर्म किए हैं मेरे सिर दे विच थुक ही पिया है चलो किसी ने यह तो नहीं कि मेरे सिर विच कोई डांग मार दिती है चल कोई गल नहीं मालिका मैं कोई माड़ा काम किया होगा तो ही मेरे सिर विच थुक्कां पैंदियां ने वो तो रब दे नाल गल्लां कर रहा है वह हंकारी हुई बीबी अपने घरवाले नूं कहिंदी वेख आ साधड़ा जिहा जिहड़ा जा रहा गली दे विच आ मैं थुक्या की है कि मैनू वेख वेख के गल्लां कर लग पे है की फायदा है तेरा मेरे कोल जे तू मेरा पति है मेरे नाल प्यार करदा उहदे सिर विच जाके डांग मार वो कहिंदा इह कीड़ी गल है घरवाली नूं खुश करन वास्ते डांग पड़ी पौड़ियां उतरे आ के साधु दे जोर दी उहने घुमा के डांग सिर दे विच मारी एक वारी ते साधु चक्कर आ के धरती ते डिग पिया सिर दे विचों खून वगना शुरू होया फिर उहने अपने आप नूं संभालिया संभाल के ते इधर जिहड़ा सी उहदा घरवाला बड़ा खुश हो के भी वापस अपने घरवाली नूं जाके दसदा है भी इको ही डांग मारी है तो भुआंटनी खा के डिग पिया दूसरी खाण जोगा ही नहीं सी वो तो काली दे नाल वापस जा रहा है तो इधर महात्मा जदों थोड़ी जी सुरत आई दर्द तो थोड़ा छुटकारा मिलिया कहिंदा मालिका हो सकता पता नहीं कोई किन्ना कु माड़ा कर्म किया सिर विच डांग वजी है चलो कोई गल नहीं मैं कि मर थोड़ा गया है तू मैं जींदा तो हैगा ही है ना तू फिर भी बख्श दिता है वो फिर रब नूं फिर इदां कर रहा कह रहा है इधर ये बीबी का पति जदों काड़ी दे नाल पौड़ियां चढ़ रहा है तो अखीरले डंडे तो पैर फिसलिया उत्तों रिड़दा होया थले आया तो सिर जिहड़ा सी थले आके वजा तो डिगदे सार मौत हो गई धौण दा मणका टुट गया बीबी देखदी भी घरवाला नहीं आया जदों वेख्या तो थले मूधे मूँह पिया पौड़ियां उतरी आके की देखती है हिलाया हिला के वेख्या विच ते प्राण नहीं मिट्टी की ढेरी होया पिया दुहत्थड़े मार के रोन लग पी फकीर जिहड़ा सी वो अपने आप नूं संभाल के उठिया है ये दौड़ के जाके कहिंदी संत जी मैनू बख्श दिओ मेरे घरवाले नूं बख्श दिओ कहिंदा बीबी ना तेरा कसूर है ना मेरा कसूर है क्योंकि तेरे मालक को तेरी हमायत जरूर थी तेरे मालक को तेरी रियायत जरूर थी मेरे मालक को मेरी हमायत जरूर थी तेरा मालक आया वो छट फिटा गया फिर मेरे मालक को भी ख्याल आ गया तेरा मालक आया वो डंडा लगा गया मेरा मालक आया वो लेखा चुका गया कहिंदा भी तेरे मालक नूं तेरी हमायत सी मैं तो केवल रब नाल गल्लां करदा सी तू अपने मालक नूं भेजिया भी जा उन्हें मैनूं को माड़े बोल बोले है तेरे मालक नूं तेरी हमायत सी मेरे मालक नूं मेरी हमायत है तेरा मालक जदों आया उन्हें आके मेरे सिर विच डंडा मारिया वह डंडा ही मार सकदा सी पर जदों मेरे मालक नूं ख्याल आया मेरे मालक दी लाठी दा खड़ाक कोई नहीं पर जदों उहदी लाठी वजदी है ते रहिंदा भी कख नहीं वो रहन भी कख नहीं दिंदा उहदी लाठी दा खड़ाक ते नहीं गा पर वो रहन भी कख नहीं दिंदा इस करके माई ये तेरा ते मेरा झगड़ा नहीं ये अपने खसमा खसमा दा झगड़ा है तेरा खसम जिहड़ा सी वो डंडा मार सकदा सी पर मेरा खसम जिहड़ा है
ਉਹਦੀ ਲਾਠੀ ਦਾ ਖੜਾਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਪੂਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਰਛ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਰਝਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਇੱਕ ਬਿਰਛ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਰਛ, ਉਹਦੀ ਲੱਕੜ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਉਸ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਡੋਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦੀ। ਹਾਲਾਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਇਕੱਲੀ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦੀ, ਉਹ ਤਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਹਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਡੋਬਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡੋਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਉਹ ਲਾਜ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਾਲਿਆ ਉਹ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਣ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਗੁਰਪੂਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ।